पूरन की रोटी बनाई है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनती, बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। आप बिल्कुल कम टाइम में इसको तैयार कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप इसको रख सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी मज़ेदार बनी है माशाल्लाह। इसको मलाई के साथ, क्रीम के साथ भी इसको खा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ हैदराबादी पूरन पूरी। इसके लिए मैं चने की दाल ली 150 ग्राम और इसको धोकर 1 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दी। थोड़ा अच्छा भिगाना, भीगे तो ये आसानी के साथ गल भी जाती है और आसानी के साथ बन भी जाती। और दाल का मेजरमेंट हम जितना ले रहे हैं शक्कर भी सेम वही वजन से लेना। अगर आपकी पर किलो दाल है 250 ग्राम दाल है तो शक्कर भी 250 ग्राम लेना। जितनी दाल है उतनी शक्कर लेंगे हम जब आगे जब शक्कर डालते हैं तो सेम मेजरमेंट में। और 1 गिलास इसमें पानी डाल दी, कुकर में दाल डाल दी और इसका ढक्कन लगा दें। 4-5 सीटी होने के बाद 7-8 मिनट धीमे पर छोड़ देंगे। मकसद हमारा यह है कि दाल हमारी अच्छे से गल जाना। जब तक दाल हमारी गली जब तक हम पूरी के लिए आटे को तैयार कर लेंगे। 1 कप में आटा ली और 1/2 कप लेंगे मैदा। चाहे तो आप पूरा मैदे में बना सकते हैं या चाहे तो पूरा आटे में बना सकते हैं, चाहे तो दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून है तेल। अब इसको आटे को और तेल को, नमक को और तेल को आटे में अच्छा मिला लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी के डालते हुए इसका डो तैयार करेंगे। सॉफ्ट डो बनाना, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो को मिलाना, एकदम पानी नहीं डालना पतला हो जाता। थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मारते हुए उसको 10 से 15 मिनट अच्छा गूंद लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा देंगे। अब इसको कवर करके 1/2 घंटे के लिए छोड़ दें। दाल हमारी अच्छे से गल गई और थोड़ा सा पानी है उसको भी पका लेंगे। फेंकने की जरूरत नहीं है, पानी में टेस्ट रहता दाल का, पानी को नहीं फेंकना और दाल अच्छे से गला लेना। और शक्कर दाल में दाल जितनी थी उसका डबल। अब इसको हम क्या करेंगे, मैश कर लेंगे। चाहे तो आप मैश कर सकते हो, चाहे तो ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर ले सकते हो। अब ये गरम गरम है, आसानी से मैश हो जाती दाल, अच्छे से मैश हो गई। एक कढ़ाई रख दी, अब इसमें डालेंगे असली घी। 2 टेबल स्पून असली घी डालेंगे इसमें। घी गरम हो गया, अब इसमें 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम जो दाल, चने की दाल को गला के रख लिए थे वो डालेंगे। फ्लेम को तेज रखेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे, इसका कच्चा बन जाएगा। अब इसमें फूड ऑरेंज कलर डालेंगे, बिल्कुल 1 से 2 चुटकी। ये टोटली ऑप्शनल है, चाहे तो आप डाल सकते हो, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हो। चलिए हमारे अब पूरन तैयार है। अब फ्लेम को बंद करके इसको खुले बर्तन में निकालेंगे। अब इसको ठंडा होने देंगे। पूरन हमारा ठंडा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम रोटी के जो पेड़े रहते हैं उस हिसाब से इसके पेड़े बना लेंगे।
आटे को भी हम एक बार अच्छा सा एक 5-6 मिनट अच्छे से गूंद लेंगे। इसके भी हम पेड़े बना लेंगे। अभी रोटी बेलना शुरू करेंगे। पहले पेड़ा ले लेंगे और इसको थोड़ा सा इसको हाथ से फैला लेंगे। हल्का सा उसको बेलेंगे, फोर्स नहीं डालेंगे इस पे। इसके लिए एक तवा रख दें और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको फैला लेंगे। एक तरफ ही डाली में और इसको पलटाएंगे। अभी थोड़ा सा इस पर हल्के से बबल्स आना शुरू हो गए, पर पलटाएंगे। अब इसके ऊपर घी या ऑयल जो आप डालते डालना चाह रहे हैं डाल सकते हैं और इसको पलटा लेंगे। तैयार हो गया हमारा पूरन की रोटी, तैयार हो गई। निकाल दें। सेम तरीके से बना लेंगे। इसके ऊपर बबुल्स आने तक इसको नहीं पलटाएंगे। अच्छे से बबुल्स आने के बाद इसको पलटाना। चलिए, हमारे पूरन पूरी की रोटी तैयार है। अब ये पूरन बना के आप टिफिन में भी बच्चों को रख सकते हैं। थोड़ी देर में आप इसकी रोटी बना के टिफिन में भी रख सकते हैं। और ये बिल्कुल आसान है और माशाल्लाह ये मज़े में ज़बरदस्त रहती है। चलिए, मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।